हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्लावर के बारे में जो बहुत कलरफुल होता है और गर्मियों में भी बहुत ठंडक पहुँचाता है। बड़ा ही अच्छा लगता है इस वाले फ्लावर को देख के। इतने प्यारे कलर्स होते हैं और इतने बड़े बड़े फ्लावर होते हैं ना ये, कि मज़ा आ जाता है। तो चलो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं हमारा वीडियो। सो दिस इज़ स्वाति, वेलकम टू नेचर ट्रेजर। आज का वीडियो हमारा है इस प्लांट के ऊपर जिसका नाम है सेलोसिया। सेलोसिया की दो तीन वैरायटी होती हैं। एक आप सब इसको कॉक्सकॉम के नाम से जानते हैं, और भी दो तीन वैरायटीज़ इसकी और बहुत अच्छी सी होती हैं। इनफैक्ट मैनी वैरायटीज़ हैं, बट दो तीन मैंने लगाई थी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, पर अब मैं पूरी अपडेट के साथ आई हूँ। एक बार आप ये अपने गार्डन में लगा लेते हैं ना, उसके बाद में ये लाइफ टाइम आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है। इसके सीड जो हैं वो आपके गार्डन में कहीं कहीं दिखेंगे, उनको आप वो उग जाएंगे जैसे ही उनका टाइम आएगा, और उन्हें आप ऐसे छोटे छोटे गमलों में लगाते जाइए। ये हमेशा आपके पास में मौजूद रहेगा, हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। जितना आपको ये मिलेगा ना, मैं इसका एक भी प्लांट नहीं छोड़ती हूँ, सारे के सारे प्लांट मैं इसके यहाँ पर लगा देती हूँ। बहुत ही शानदार प्लांट होता है ये, मज़ा आ जाता है इसे लगा के। ये जो प्लांट है ना, आपके गार्डन में अलग अलग जगह पे जैसे हमारी पोटुलका उगती है ऐसे ही उग जाता है। आप ये देखो इस गमले में कितने सारे प्लांट उगे हुए हैं। इनफैक्ट इस पर जो है अब सीड भी आने लगा है, वो फ्लावर बर्ड्स बनने लगी हैं। और अभी इनको मैं रिपॉट करूँगी, सभी को निकाल के उसके बाद में मैं इनको अच्छे से लगा दूँगी जैसे मैंने वो लगाए हुए हैं, और सारे बहुत अच्छे सुंदर खिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। वर्मी कंपोस्ट में आप थोड़ा सा बोन मील डालिए, और साथ में आप चाहें तो आप पोटाश और सुपर फॉस्फेट इनका मिक्सचर भी डाल सकते हैं। ये आप तभी डालिए अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए, और बहुत थोड़ी मात्रा में इसे देना है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसे नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कप्स में भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और बहुत ही इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है इसकी कि ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से करें, तो इसको एक बार लाइफ में बस एक बार इसको ये फर्टिलाइज़र देना है। चाहे तो जब आप रिपॉट कर रहे हैं उस टाइम पे आप ये फर्टिलाइज़र थोड़ा सा मिला दीजिए मिट्टी में, और ये बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। ये देखिए बहुत बड़ा सारा इसके फ्लावर खिलते हैं। मैंने हर एक पॉट में, जो बड़ा पॉट है उसमें दो दो ये लगाए हैं, हालांकि एक भी बहुत होता है। अगर आप 10 इंच के गमले में एक ही लगा देंगे ना, तो ही ये बहुत अच्छा आपको फ्लावरिंग देगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आप ऐसे साथ में मिला के लगाएंगे, ज़्यादा प्लांट से आप मिला के लगा दो, दो आप लगा देंगे तो देखिए कितना सुंदर लगता है ये, कि एक अलग वैरायटी है और एक कॉक्सकॉम है, दोनों मिलके बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ। वाटरिंग नीड अगर बात करें तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हार्डी प्लांट होता है, गिर जाता है फिर ये वापस से ठीक हो जाता है। इसमें डिजीज़ की अगर बात करें तो हाँ, इसमें जो लीफ ईटर हैं वो आ जाते हैं, एफिड्स भी आते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं आते लेकिन आते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना हो। अगर आपको इस तरह से इसकी लीव्स कटी हुई दिखाई पड़ती हैं, तो आपको क्या करना है कि नागराज आता है, एक आती है नागराज की बॉटल, मैंने एक पेस्टिसाइड पे वीडियो भी बना रखा है, वो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता है। और ये देखिए छोटे छोटे से जो है ना, जहाँ भी आपको दिखे आप उसको लगा सकते हैं। ये सीड से भी उग जाता है, मैंने सीड से ही उगाया था फर्स्ट टाइम, ये सेकंड अपने आप उगा है सारा, और वो मैंने बस इसको रिपॉट किया है। तो ये बहुत आराम से लग जाता है, हर जगह लग जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी नीड नहीं है। आप इसे बस लाके अपने घर में लगा दीजिए, उसके बाद तो ये हमेशा आपके पास सदा बाहर की तरह रहने वाला है। पूरा टाइम ये आपको फ्लावरिंग देता है। वेलवेट का टाइप का इसका लुक आता है, वेलवेटी इसका टेक्सचर रहता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। मेरे पास मोस्टली ये पर्पल कलर में था, और बहुत ही प्यारा लगता है। हमने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। पानी की नीड, इसको पूरा सन चाहिए, सन में रखिए, बहुत आराम से चलेगा,
तो हमने ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर दिया, फिर भी कुछ रह गया तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिए, मैं उसका भी आंसर कर दूँगी। और इसके बारे में और कुछ चाहिए, किसी और फ्लावर के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।